नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक बजाज, को-फाउंडर स्टॉकेज का। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट को कैसे ट्रैक करे और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर को डेफिनेटली देखना चाहिए अगर वो स्टॉक मार्केट में कुछ करना चाहता है तो। दोस्तों, एक रिटेल इन्वेस्टर के पास में हर तरह से इन्फॉर्मेशन आती है, चाहे वो एक मीडिया कंपनी है, चाहे रिसर्च फर्म है, चाहे कुछ दोस्त यार हैं जो आपको हर तरह से इन्फॉर्मेशन देते हैं और आपको ज्ञानी बनाने की कोशिश करते रहते हैं। बट दोस्तों, इतने इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के अंदर में रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को निकालना, ये भी अपने आप में चैलेंज है। और ये चैलेंज को दूर करने के लिए हमने स्टॉकेज ऐप का निर्माण किया, जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ा बूम साबित हो रहा है। बिकॉज आज आप लिमिटेड इन्फॉर्मेशन और आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसी इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करके आप मार्केट में बहुत वाइजली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों, इस ऐप को मैं आपको दिखाऊंगा और इसमें क्या क्या वो फीचर्स है जो आपको डेफिनेटली देखना चाहिए, जो कि आपको एक सेंसिबल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर या ट्रेडर बनाने में हेल्प करेगा। जब मैं रिटेल इन्वेस्टर की बात करता हूँ दोस्तों, मैं ट्रेडर की बात नहीं करता हूँ जो फुल टाइम मार्केट में इन्वॉल्व है। एक रिटेल इन्वेस्टर वो होता है जिसने कुछ शेयर खरीद रखे हैं या उसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, लेकिन उसको स्टॉक मार्केट तो फॉलो करना ही है। या रिटेल इन्वेस्टर वो भी होता है जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी ढूंढता है कि अगर मार्केट सपोज गिर गया है या बहुत तेज़ हो रहा है तो मैं एक बार ले लूं और थोड़ा देर बाद उसको बेच सकूं। ये सारा ऑब्जेक्टिव को दिमाग में रखते हुए हमने स्टॉकेज ऐप बनाया है, जिसमें आपके कुछ फीचर्स हैं जो आपको डेफिनेटली डेली बेसिस पे देखना चाहिए। पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है जो आपको स्क्रीन के सामने नज़र आ रहा है, वो है निफ्टी का पिछला कुछ दिनों का, 10 दिन का परफॉर्मेंस और FIIs क्या कर रहे हैं। इससे आपको एक मोटा मोटी आइडिया लग जाती है दोस्तों कि मार्केट पिछले 10 दिन से क्या कर रहा है, क्या वो एक तेज़ी के टेरिटरी में है कि यह मंदी के टेरिटरी में है। उसके अलावा दोस्तों, डेली अपडेट जो सेक्शन है ये बहुत ही केयरफुली हमने डिज़ाइन किया है। डेली अपडेट के अंदर में कई सारे सब सेक्शंस हैं। पहला जो है वो है अपडेट, जिसमें हम न्यूज़ देते हैं। दोस्तों, ये जो न्यूज़ हम दे रहे हैं ना, ये लिमिटेड न्यूज़ दे रहे हैं और वो ही न्यूज़ दे रहे हैं जो कि मार्केट में किसी शेयर के प्राइस को इम्पैक्ट कर सकता है या मार्केट को ओवरऑल इम्पैक्ट कर सकता है। और दोस्तों, हर न्यूज़ को हमने टैग कर दिया है उस स्टॉक के साथ, उस इंडस्ट्री के साथ और उस सेक्टर के साथ में। ये कोई आसान काम नहीं है दोस्तों, और ये मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कर रहा है, बिकॉज इसमें कहीं ना कहीं एक अलग लेवल की जजमेंटल मेहनत चाहिए जो हमारी यहाँ पर नॉलेज टीम जो इक्विप्ड है जो कि ये काम कर रही है। अगर आप क्लिक करें और सीधा उस स्टॉक में जाएं, तो उस स्टॉक का पूरा 360 डिग्री रिसर्च आप आराम से खुद कर सकते हैं। आपको किसी भी एक्सपर्ट के पास जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप खुद भी उस स्टॉक के अंदर में एक्सपर्ट बन सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम न्यूज़ दोस्तों, अनाउंसमेंट। सो हर कंपनी को, लिस्टेड कंपनी को, एक्सचेंजेस को अनाउंसमेंट देना पड़ता है अगर कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो कि उसके भाव में, उसके प्राइस में इम्पैक्ट कर सकता है। तो वो अनाउंसमेंट जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगी। मोटा मोटी सारी कंपनीज का अनाउंसमेंट यहाँ कैप्चर हो जा रहा है। चाहे या तो आपको अनाउंसमेंट NSE में देखनी है या BSE में देखनी है, अब इस अनाउंसमेंट के थ्रू भी आप उस कंपनी के अंदर में जा सकते हैं और उस कंपनी का डिटेल्ड अनाउंसमेंट को आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, फोर्थ कमिंग कि आने वाले कुछ दिनों में क्या ऐसा एक्टिविटी होने वाला है दुनिया में, देश में, इकोनॉमिक एक्टिविटी या उस स्टॉक के अंदर में। तो आप देखो, हमने इवेंट्स डाल दिया है जो आने वाले हैं, कॉर्पोरेट एक्शंस जो है, कंपनी स्पेसिफिक क्या क्या कॉर्पोरेट एक्शंस है जिनका, जिसमें मार्केट में एक्टिविटी होने वाली है। और ये जबरदस्त पीस हमने बनाया दोस्तों, वो है कैलेंडर, रिजल्ट कैलेंडर। ये इतना सुंदर तरीके से हमने बनाया है, आने वाले कई दिनों का, किस किस स्टॉक का किस दिन क्या रिजल्ट आने वाला है वो यहाँ पर मेंशन्ड है। इसका ब्यूटी ये है दोस्तों कि हमने इसको मार्केट कैप के हिसाब से सॉर्ट कर दिया है। इसका मतलब बड़ी कंपनी का नाम आपको पहले दिखेगा, छोटी कंपनी का बाद में दिखेगा। और दूसरा जो कि बहुत ही यूनिक है, जो कोई और नहीं कर रहा है, वो है कि जब आप स्टॉक में क्लिक करते हैं तो आप सीधा उस स्टॉक के रिजल्ट पेज में चले जाते हैं ताकि आप उसको अपने हिसाब से एनालाइज कर पाएं। ठीक है, अभी मैं आगे बढ़ता हूं। मार्केट, तो सारे इंडाइसेस यहां पर मेंशन है दोस्तों, और NSE के इंडाइसेस या BSE के इंडाइसेस, और वो इंडाइसेस से आपको पता लगता है कि ओवरऑल मार्केट के अंदर में किस सेक्टर में अंडर परफॉर्मेंस चल रही है या आउट परफॉर्मेंस चल रही है। और एक्चुअली आप हर इंडेक्स के अंदर में घुस सकते हैं और घुस के उस इंडेक्स का प्राइस चार्ट देख सकते हैं
उस इंडेक्स में सारे जो स्टॉक्स हैं उनका परफॉर्मेंस देख सकते हैं, क्या गेन हुआ है, क्या लॉस हुआ है, और उस इंडेक्स के क्या क्या टेक्निकल पैरामीटर्स हैं जो अभी मार्केट के अंदर में एक्टिवली आपको हेल्प कर सकते हैं। मैं उस पर बाद में आऊँगा दोस्तों, बट इन्फॉर्मेशन अगर आप देखें तो बहुत ही सुंदर तरीके से आपको बताया जा रहा है कि मार्केट ओवरऑल क्या कर रहा है पिछले 30 दिनों से, और बाकी सेक्टर्स मार्केट के साथ में क्या कर रहे हैं पिछले 30 दिनों से। उसके अलावा FII और DII स्टैटिस्टिक्स की, जो FIIs है मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है, वो लोग का क्या एक्टिविटी रहा है कल एंड ऑफ द डे, आप उसका अगर इसको क्लिक करेंगे तो आपको हिस्टोरिकल भी मिल जाएगा इसमें, और इसके अलावा आपको एक्चुअल में इन्होंने क्या क्या काम किया है, क्या इक्विटी मार्केट में, बॉन्ड मार्केट में, जो कि सेबी की साइट पर रिपोर्ट होता है और इसको हर कोई कैप्चर नहीं कर पाता दोस्तों, बट हमने स्टॉकहोम में बहुत मेहनत करके इसको कैप्चर किया है। तो आप इसको एक्चुअल में डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे आप एक्चुअल इनका इनफ्लो को ट्रैक कर सकते हैं। उसके अलावा डेरिवेटिव्स जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए भी डेरिवेटिव्स में क्या क्या पोजिशन FIIs की हैं मार्केट में, वो भी यहाँ पर मैंशनड है, जिससे आप एक जजमेंट बनाना चाहें तो आप अपना जजमेंट बना सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर आप छोटे मोटे ट्रेडिंग करने में इंटरेस्टेड हैं तो डील्स रिपोर्टिंग जो होती है एक्सचेंजेस में वो बड़े इफेक्टिव होती है। डील्स का मतलब हो गया कि कोई बड़ा आदमी या तो लिया है स्टॉक को या बेचा है, करेक्ट। तो बर डील, ब्लॉक डील और इनसाइडर, ये तीन एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है जिससे आपको नए स्टॉक अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेगी, स्पेशली फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्पस। और अगर आप किसी भी डील को क्लिक करें तो आपको जो बंदे ने डील की है उसका लास्ट 5 साल का हिस्ट्री मिल जाएगा, या उस स्टॉक के अंदर में लास्ट 5 साल में क्या क्या डील्स हुए हैं उसका भी आपको हिस्ट्री इसके अंदर में मिल जाएगा। दोस्तों एक बहुत ही ज़बरदस्त काम हमने स्टॉकेज में किया है कि हर डेटा और स्टॉकेज को आप नेक्स्ट लेवल पे नेविगेट कर सकते हो। तो एक से आप दूसरा डेटा में जाते हो, दूसरा से आप तीसरा में जाते हो, तीसरा से चौथा में जाते हो, तो ये नेविगेशन कभी ख़त्म नहीं होता है और आप फाइनली उस आउटपुट पे पहुंच सकते हो जो आउटपुट आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव हो सकता है। तो अगर आप डेली बेसिस पे आधा घंटा पौन घंटा इसमें स्पेंड करेंगे तो बात मेरी मानिए, अगर आप नोविस हैं तो आप डेफिनेटली रेस्पेक्टेबल नॉलेज तक पहुंचेंगे, और एक लेवल पे आने के बाद में आप भी प्रोफेशनल इन्वेस्टर या ट्रेडर की तरह अपने आप को तैयार कर सकते हैं। आपको किसी के पास भी जाने की दरकार नहीं है, आप खुद अपने आप को सही मायने में एम्पावर करिए। उसके अलावा दोस्तों हमारे पास में रिजल्ट्स हैं जिसमें सब कंपनीज़ के जब जब क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, एनुअल रिजल्ट्स आते हैं, वो यहाँ अपडेट हो जाते हैं कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन। और जैसा कि मैंने आपको बोला था, आप यहाँ से क्लिक करके सीधा उस कंपनी के उस पेज में चले जाते हैं ताकि आप उसके रिजल्ट के एनालिसिस को कर पाएं, करेक्ट। तो ये हो गया डेली अपडेट सेक्शन। उसके अलावा दोस्तों अगर आपका IPO में इंटरेस्ट है तो आप IPO में जाइए, यहाँ आपको दिख जाएगा कि कौन कौन सा IPO आने वाला है, इसको आप क्लिक करेंगे तो उस कंपनी के बारे में और डिटेल मिल जाएगी, कौन कौन सा IPO चालू है अभी वो भी आपको पता लग जाएगा, आप क्लिक करोगे तो उस कंपनी के बारे में और डिटेल मिल जाएगी, और कौन कौन से IPO लिस्ट हो चुकी हैं और उन IPO का अभी के डेट तक क्या परफॉर्मेंस है वो भी आपको पूरा हिस्ट्री यहाँ पर मिल जाएगा। तो इतना इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है तो आपको इधर उधर क्यों जाना है, इतने वेबसाइट्स आपको बहुत कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं, इतने दूसरे ऐप आपको बहुत कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये ऐप यही आपका साथी है और यहीं तक ही रहिए, और ये तो फ्री है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं पर भी कुछ भी प्लेटफॉर्म में और जाने की रिक्वायरमेंट है। तो ये तो हुआ दोस्तों जो डेटा हम आपको दे रहे हैं जो आपको डेफिनेटली कंज्यूम करना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम अदर डेटा पॉइंट्स में जो और वीडियोस में कवर करने वाला हूँ। उसके अलावा एज ए रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्टॉक आइडियाज़ को ट्रैक करें। आप उसको कैसे कर सकते हैं, अपने वॉच लिस्ट बना के। दोस्तों वॉच लिस्ट आपको सबको ही देता है जिसमें आप अपने स्टॉक को डाल के एक प्राइस ट्रैक कर सकते हैं कि भाव बढ़ रहा है कि घट रहा है, लेकिन हमने बहुत ही यूनिक काम किया। यूनिकनेस ये है कि आप किसी भी फॉर्म का वॉच लिस्ट बना सकते हैं और आप अनलिमिटेड वॉच लिस्ट बना सकते हैं। जैसे आपने मुझसे मुलाकात की और मैंने कुछ स्टॉक आइडियाज़ आपके साथ शेयर किया, क्या आप कहीं पर लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। हमने क्या बोला कि चलो आप मेरे नाम का वॉच लिस्ट बना लो, आप प्लस करके यहाँ पर इसको वॉच लिस्ट को बना सकते हो, और मैं जो स्टॉक बोल रहा हूँ आप उसमें ऐड कर लो। जैसे मैं अपने मित्र PG से मिला,
राइट, उसके साथ मैंने जब चर्चा की, ये चर्चा हुई थी 16 जुलाई 2016 में पहली चर्चा, और उसने मुझे कुछ स्टॉक्स बताया था, जैसे कोरोमंडल उसने बताया था। ये स्टॉक उस समय 244 रुपये का भाव था और आज की रेट में 450 है, दैट मीन्स 84% रिटर्न दे चुका है वो 935 दिन के अंदर में। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको दो चीज़ों में हेल्प करेगा। पहला, आपके दोस्तों को आप सही मायने में इवैल्यूएट कर पाएंगे, चाहे वो दोस्त है, चाहे कोई एक्सपर्ट है, चाहे कोई लिस्ट निकाल देते हैं कि ये अच्छे स्टॉक्स हैं लेने के लिए, इन सबको आप सही मायने में इवैल्यूएट कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। उसके अलावा हर वॉच लिस्ट को आप इंडिपेंडेंटली ट्रैक कर सकते हैं, उनके स्टॉक्स का परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं। जैसे स्कैंस का प्रेजेंटेशन देखिए दोस्तों, ऐसा प्रेजेंटेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, और ये तो फ्री है, तो फ्री चीज़ें इतनी अच्छी मिल रही है तो इसका तो आपको मज़ा उठाना ही चाहिए। उसके बाद में कोई भी स्टॉक के अंदर में जो इस वॉच लिस्ट में इसमें कोई न्यूज़ है तो यहाँ आ जाएगा। किसी भी तरह का कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट है, किसी भी तरह का कॉर्पोरेट एक्शन है, कोई भी रिजल्ट है जो आपके इस वॉच लिस्ट के स्टॉक से रिलेटेड है वो यहाँ पर आ जाएगा, और कोई भी अगर डील हुआ है इन कंपनीज़ में जो वॉच लिस्ट में है वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। सो वॉच लिस्ट सिर्फ प्राइस ट्रैकिंग के लिए नहीं है, वॉच लिस्ट भी अपने आप में एक रिसर्च, खुद के उन स्टॉक्स पे रिसर्च करने के लिए आपको एक बहुत बड़ा सुविधा दिया गया है। तो दोस्तों और भी बहुत कुछ है, इस वीडियो तक अपने यही लिमिट रखते हैं, और भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ, हर फीचर के बारे में आपसे बात करूँगा और आप फीचर को कैसे यूज़ कर सकते हैं इस ज़बरदस्त स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के लिए, ये भी मैं चर्चा करूँगा। धन्यवाद।